आसमानों पर लिखा। आपका मैं कह रही हूँ कि फैमिली का वालिक मसला। आपदा मैं तो कह रही हूँ कि तुम लोग भी कुछ आके खा पी लो। सुबह से ना तुमने खाया है ना पिया है। देखो खाए पिए बगैर तुम लोग कैसे खिदमत कर सकोगे। चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो, तू ही कुछ खा ले। देख कैसा चेहरा तेरा घुमला गया है। क्या कहेगा तेरा मियाँ कि कैसे बेरौनक लड़की से शादी की। नहीं चाची मुझे कुछ नहीं खाना, आप बस माँ को ले जाइए चाय पिला दें, मैं अब्बा के पास हूँ, बेरौनक ही ठीक होंगे। अच्छा ठीक है, अपने मियाँ का गुस्सा मुझ पे मत निकाल। फोन कर दिया था ना तूने, आ जाएगा। अच्छा ठीक है, वो आ जाएगा ना तो तुम भी बाहर घूम के आ जाना, और उसके साथ वो क्या कहते हैं पिज्जा खा के आ जाना, क्योंकि देख बड़े घर के लोग तो घर का खाना खाते नहीं है, यही पिज्जा बर्गर बन कबाब जो कहते हैं हम वो खाते हैं। चची अब्बा की हालत देखें, आपको अभी भी तफरी सोच रही है, मुझे कहीं नहीं जाना। तेरे भले के लिए कह रही हूँ मैं, अस्पताल आया था या पिछली दफे की तरह टर खा के चला गया बातों पे सिर्फ। ये देखिए उनका फोन आ रहा है, वैसे वो अब्बा को पूछने के लिए भी आए थे। इसके भले के लिए कह रही हूँ मैं, तू परेशान ना हो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज कुत्सिया समझने की कोशिश करें, मैं वहां पे नहीं आ सकता। मैं अगर वहां पे आ गया तो एक नई स्टोरी शुरू हो जाएगी। बस कुत्सिया मैं नहीं आ सकता। हाय। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे लिए मर जाऊं, रोती रहूं, तुमसे बात ना करूं, तुमसे ना मिलूं, तुमसे दूर चली जाऊं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? हाँ, कुछ ठीक बोल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दाशा तुम्हें पता है मुझे कितना फर्क पड़ता है। दाशा आज के बाद दूर जाने की बात की ना, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं आलियान। You know what? तुम एक मास्टरपीस हो। बहुत बुरे हो तुम। And I hate you. मैं तुमसे नाराज थी, गुस्सा था, तुमने मुझे एक बार भी नहीं मनाया, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। सोचा होगा सबसे अच्छा मौका है, जान छूट जाएगी, है ना? यही तो मसला है, जान ही तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी। Is this what you really want? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी कहो, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद जान भी छूट जाती है और रिश्ता भी। तो फिर छुड़वा के दिखाओ,
शाह, you know that I love you. You know how much I care about you. फिर क्यों इस तरह की बातें करती हो? पागल बनाना तो कोई तुमसे सीखे। God, Natasha, please don't start this again. रिलैक्स ना, give me 2 minutes, फ्रेश होके आ जाओ, फिर मैं और तुम लंच पे चलते हैं और तुम मुझे बताना कि कौन किसको पागल बना रहा है, या? इतनी देर क्यों हो गई? मुझे होश क्यों नहीं आ रहा? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अब्बा ठीक हो गए हैं, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। सुना नहीं डॉक्टर्स ने क्या कहा? उनका ऑपरेशन कामयाब हो गया, जल्दी रूम में शिफ्ट कर देंगे। अब रोने का नहीं। आज तो अस्पताल में बाहर आई हुई है। कैसी हो छुटकी? शुक्र है तुम नजर तो आई। इतनी कमजोर क्यों हो रही हो? डाइटिंग कर रही हो क्या? वैसे ही धान पानो, डाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो तुम वैसी बहुत अच्छी लगती हो। दरअसल आजकल रूटीन ही ऐसी बन गई है, खुद ब खुद ही डाइटिंग हो जाती है। एक साथ खाने का वक्त ही नहीं मिलता, बस अब्बा की फिक्र रहती है। तुम्हें क्या जरूरत है फिक्र करने की? ऑपरेशन कामयाब हो गया है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। तुम्हें तो बस अपनी फिक्र करनी चाहिए, खुद पर ध्यान दो। ससुराल वाली हो, क्या सोचेंगे तुम्हारे ससुराल वाले? कैसी आदम बेजार लड़की है। मेरा ख्याल में जहाँ शोर करना मुनासिब नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाना बना कर लाई थी, घर से गाड़ी में रखा हुआ है। चलो छुटकी लेकर आते हैं। मैंने नया कुक रखा है ना, उसी से खाना बनवाया है, अभी लेकर आती हूँ। चलो ये क्या तमाशा है? क्यों आई थी यहाँ पर? एक फोन सुनने पर तो अम्मी ने मुझे कितनी बातें सुनाई थी, और अब कितनी स्वीट और सॉफ्ट कैसे हो गई हैं? और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें पता तो चल गया है, कोई नई बात होती तो मैं तुम्हें बताती। वो दानिस्ता तौर पे अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर चुकी है, इसलिए तुम इतने गौर से देख रही। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? रिश्ता, माय फुट, अपने कमरे में? जी सही, वो काफी देर से अपने कमरे में है। थैंक यू। दरवाजा खोलो आलियान। तुम यहाँ क्या करने आ गए हो? मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। Just get out from here.
तुमने सुना नहीं है मैंने क्या कहा है? नहीं सुना है। क्या कर लोगी? तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? समझते क्या हो तुम अपने आप को? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन चीप ड्रामेबाजियों से मैं इंप्रेस हो जाऊंगी? और ना ही मैं तुम्हारी बीवी हूं जो तुम मेरे रूम में आके मुझ पर रौब जमा रहे हो। बीवी नहीं हो तो बन जाओगी, इसमें कौन सा बड़ा मसला है? और वैसे भी अगर तुम्हारे कमरे में नहीं आया तो फिर किसके कमरे में जाऊं? गेट आउट आर्यन, आई सेड गेट आउट और आई विल ब्रेक योर हेड। वेट, जस्ट गेट आउट। रिलैक्स नताशा। फाइन, तुम मत जाओ, मैं जा रही हूं यहां से। तो अकेले अकेले तो ना जाओ ना, मुझे भी ले जाओ यार, बहुत भूखा हूं। हमें तो साथ लंच पे जाना था और तुम मुझे अकेला ही छोड़ आई। प्लीज नताशा रिलैक्स नाउ, मुझे तो लगता है पूरी जिंदगी तुम्हें मनाना पड़ेगा। मुझे मनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा और मेरा जिंदगी भर का कोई वास्ता नहीं रहा। एंड बाय द वे, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें अब तक कुछ बना के नहीं खिलाया। अफसोस। ओह फॉर द लव ऑफ गॉड नताशा, वो मेरी बीवी नहीं है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, शी डज नॉट मीन एनीथिंग टू मी। कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरा उसके साथ। व्हाटएवर। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो, अब तो डर लगना शुरू हो गया तुमसे। तुम्हें डरना चाहिए भी। अरे ना, अगर तुमने मुझे दोबारा चीट किया ना तो मैं जान ले लूंगी, अपनी भी और तुम्हारी भी। नताशा रिलैक्स, आओ बैठो यहां पे, कुछ पियोगी? अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ, अब्बा को जैसे रूम में शिफ्ट कर दें मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। जा तो रही हूँ लेकिन अब्बा की टेंशन लगी रहेगी। जाओ बेटा जाओ, तुम्हें ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी नई नई शादी हुई है, इतनी देर मियाँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अरे हमारे मियाँ होते ना तो अभी तक 10 चक्कर लगा चुके होते। वैसे तुम्हारे मियाँ आए नहीं, नाराज़ हैं क्या? और मैं देख रही हूँ कि तुम्हें भी कुछ खास परवाह नहीं है उनकी। नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है, वो बिजी थे। दरअसल उन्हें हॉस्पिटल से एलर्जी है तो मैंने उन्हें खुद ही मना कर दिया था। वाह भाई वाह, इतने से दिनों में इतनी अच्छी तरह उनके मिजाज को समझ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक हम थे कि अपने मियाँ को हर जगह घसीटते थे और इसी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती थी। आप जाएँ ना, ड्राइवर कब से आपका इंतजार कर रहा है, चलें अब जाएं। अरे उसका काम है ये। वैसे बेटा तुम्हें उन्होंने एक अलग से गाड़ी और ड्राइवर तो दिया ही होगा ना। एक काम करो, मुझे भी जरा ड्रॉप कर देना, ये आदिल तो पता नहीं कहाँ रह गया, काम का कीड़ा है, ऑफिस में बैठा होगा अभी तक। चलो बेटा। आंटी प्लीज आप रुक जाएं, आपके होने से थोड़ा हौसला रहता है। अच्छा तुम्हारी खातिर रुक जाती हूँ, तुम भी क्या याद करोगी चुटकी। हाँ बेटा तुम अब जाओ, हम भी यहाँ बैठे बैठे थक गए। आपदा कितनी सादा रहती है कुत्सिया। अरे आपदा इसे कुछ समझाओ, बड़े लोगों के ओढ़ने पहनने के ढंग ही अलग होते हैं और यह है कि अपने आप को चादर में लपेट कर रखे हुए है। अगर इस तरह अपने आप को ढांप कर रखेगी तो उन्हें नजर कैसे आएगी? आ बेटा मेरे पास आके बैठ जाओ। अब मुझे नहीं पता तुम सब कुछ करोगे अब। Hey uncle, how are you? क्या हो रहा है नताशा?
तुमने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी और इस लड़के को घर पे बुला लिया। ये लोग तुम्हें बेवकूफ पे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और तुम बनती जा रही हो। पापा प्लीज, आप आलियान को इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करें। आलियान ने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये उस लड़की को डिवोर्स दे देगा, और वैसे भी जो होना था वो तो हो चुका है। अब एक निकाह की वजह से वो लड़की इसकी बीवी तो नहीं बन गई ना। शट अप नताशा, अपने बाप के साथ किस तरह बात कर रही हो। ये लड़का गलती पे गलती किए जा रहा है और तुम उसकी फेवर कर रही हो। आई डोंट बिलीव दिस। इसने तुम्हारी सोच को मफलूज कर दिया है। निकाह के बाद कोई लड़की बीवी नहीं बनती तो किस तरह बनती है। ओहो पापा, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो। और आलियान तुम्हें भी पापा को सॉरी करना चाहिए। तुमने बहुत बदतमीजी की थी उस दिन पापा के साथ। मुझे नहीं चाहिए किसी की सॉरी, और मेरी तरफ से तुम भी जहन्नम में जाओ। एंड लिसन, अब रोती हुई मेरे पास मत आना। पर पापा, पापा क्या हुआ, चलना नहीं है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है आलियान। तुम्हारी एक हमदर्दी की वजह से हम सब लोग कितनी मुश्किल में आ गए। एक ही बात को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा है? ताशा, as far as I'm concerned, मैंने तुम्हारे डैड के सामने अपनी पोजीशन पहले ही क्लियर कर दी है। लेकिन अब भी अगर उनको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। खैर, अब हम चल सकते हैं, काफी बोर हो गया हूं ये बातें कर करके। तुम्हें जाना तो जाओ, मुझे पापा से बात करनी है। वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे इनसे बात करनी होगी। जब आपकी टैक्सी खराब थी तो आपने मुझे इसमें बिठाया है क्यों? पता नहीं दूसरी टैक्सी कहां से मिलेगी, मैं क्या करूं? मैडम दो मिनट रुक जाएं, आपने तो मुझे बहुत ही टेंशन दे दी है। गाड़ी का भी अभी खराब होना था। आप फिक्र ना करें, ये तो ठीक हो जाएगी, और अगर नहीं हुई ना तो मैं आपको कहीं से भी दूसरी टैक्सी ला के दूंगा। आप बस मुझे ये बताएं कि यहाँ से मेन रोड कितना दूर है। शहर में नहीं आएंगे क्या मैडम? आप क्या क्या कर रही हैं? ओ, मैं तो घर आ रही थी मगर ये गाड़ी खराब हो गई। हालत देखी है इसकी आपने? इससे तो खराब ही होना था। मैडम मेरे लिए क्या हुक्म है? जी मैम। रहने दें। सर वो चेंज रख लो। आ जाए बैठे। कुत्सिया और टैक्सी? नहीं नहीं, कुत्सिया को तो उसका ड्राइवर लेने आया था। क्या हो गया है मामा, मेरी आई साइड वीक थोड़ी है, मैंने खुद देखा है वो कुत्सिया ही थी। मैं तो पहले ही कह रही थी इस शादी में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वो लोग हमसे कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहे हैं। देखो बेटा, जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। आप फिक्र ना करें, मुझे पता है काम कब और कैसे करना है। लेकिन पूछूंगी जरूर, उसे ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैंने जब आपसे कहा भी था कि मैं ड्राइवर को भिजवा दूंगा तो आपने फोन क्यों नहीं किया? मैं कॉल करती लेकिन आप इतने गुस्से में थे इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। जब गुस्सा आएगा तो करूंगा ना, और वैसे भी आजकल मेरी गुस्से की वजह आप ही बनी हुई हैं।
मैं भी तो आपकी वजह से पता नहीं क्या क्या सुनती हूँ। मैंने तो कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की। आपके घर में खुशी से नहीं आती, मेरी मजबूरी है। पर अब आपको रोना आ रहा होगा ना, तो इसमें नई बात कौन सी है? ये तो आपकी आदत बन गई है। आप मेरा मजाक मत उड़ाएं। आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे पूछती, ऐसे वक्त पे रोना आता है या हंसी? अच्छा, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मेरी पोजीशन भी आप वाली हो गई है ना। नताशा को मेरी बात समझ में आ रही है ना ही उसके डैड को। आलियान साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ ये शादी नहीं एक डील है। जैसे मेरा अब्बा ठीक होंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद नताशा का एतबार भी वापस लौट आएगा। प्रॉमिस? चंदा भी, आलियान से कहिए मैं खाने पर उसका इंतजार कर रही हूँ। आलियान बाबा ने कहा कि वो फ्रेश होकर आते हैं। अच्छा। हेलो ब्यूटीफुल, कैसी है? क्या बनाया खाने में? सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इतनी सख्त भूख लग रही है। क्यों भाई, सुबह से क्यों कुछ नहीं खाया? मैं तो समझ रही थी कि आज डिनर तुम अपनी मेहमान के साथ करोगे। टिपिकल मॉम स्टाइल, कहना क्या चाह रही है सीधा सीधा बोले। मुझे इस सारे मामले में तुम बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। उसे बीवी मानते भी नहीं और काम सारे शौहरों वाले करते। मैंने कौन से ऐसे काम कर दिए? हाँ तो आप भी अजीब बातें करती हैं। एक का शक खत्म करके आया और यहाँ पे दूसरे का शक शुरू हो गया। पाकिस्तान में क्या यही प्रोड्यूस होता है? प्राणी वो बाहर सड़क पे खड़ी हुई थी, उसकी गाड़ी ब्रेक डाउन कर गई थी, मैं उसे ले आया वापस। लेकिन अगर आप कह रही है तो मैं वापस छोड़ के आ जाता हूँ। चंदा भी, बीजान कुछ चाहिए आपको? नहीं, वो जो मेहमान हैं, वो लड़की, वो खाना खा चुकी? नहीं बीजान, मैं उनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ, हालांकि वो तो मना कर रही थी। अच्छा, लेकिन उन्हें कहो कि मैंने बुलवाया। अच्छा बीजान। उसे क्यों बुला रही है? मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको? मैंने उससे बात करनी है, तुम खाना खाओ। करें आप बातें, इतना खाना था खा लिया। नाराज हो? नहीं। खाना खाया? तुम्हें क्या फर्क पड़ता मैं खाऊं या ना खाऊं? शट अप आलियान, मैं इस वक्त बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। पापा बहुत नाराज हैं, उन्होंने खुद को कमरे में लॉक कर लिया और मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे। नाउ टेल मी मैं क्या करूं? तुम्हें हम दोनों में से एक बंदे को चूज करना होगा, या अपने पापा को चूज करो या मुझे। Excuse me? How can you say like that? तुम इतने mean कैसे हो सकते हो आलियान? मैं तो ऐसा ही हूँ। शायद तुम्हारे पापा ठीक ही कहते हैं। मैं शायद तुम्हें deserve ही नहीं करता। तुम वाकई मुझे deserve नहीं करते हो। Go to hell आलियान। मैं तुम्हारे लिए अपने पापा से लड़ रही हूँ और तुम की मुझ पे एहसान जता रहे हो। तुम इतने बहाने क्यों बना रहे हो? हाँ, मुझे कह दो, मैं खुद ही पीछे हट जाती हूँ। शादी तो तुम कर ही चुके हो, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत? आलियान, मैं इस वन साइड रिलेशन से थक चुकी हूँ और तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं है। यार नताशा, मैं ना ही कोई बहाना बना रहा हूँ, ना ही मैं पीछे हटना चाहता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे पापा को कौन समझाएगा? तुमने काम ही ऐसा किया कि कोई भी समझने को तैयार ही नहीं है। ओके, तो फिर ठीक है,
मान लो अपने पापा की बात और पीछा छोड़ दो मेरा। आओ बैठो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस झूठी खुशी से अपने बाप को कब तक जिंदा रखोगी। एक दिन इस रिश्ते की हकीकत खुल जाएगी, तब क्या होगा? तुम खुद को, सबको धोखा दे रही हो। ये सोचा है तुमने? ये अच्छी बात नहीं है। आप ही बताइए ना दादू, मैं क्या करूं? मुझे तो यहां आते हुए भी शर्मिंदगी होती है। कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? मेरा मतलब है कोई बड़ा भाई या बहन? मैं सबसे बड़ी हूं, भाई कोई नहीं है। दो बहनें हैं जो कॉलेज जाती हैं। मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय हुआ है। पहले वो लोग खुद से नाराज हो गए थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों आना जाना शुरू कर दिया है। दादू, मेरी अम्मी बहुत सादा सी औरत है, वो निकाह को सबसे मजबूत रिश्ता समझती हैं। अगर मैं उनसे इस बारे में कोई भी बात करती हूँ तो उन्हें लगता है जैसे मैं इस शादी से इनकार कर रही हूँ। इनकार करना था तो उस वक्त क्या होता जब शादी हो रही थी? आलियान तो बेवकूफ है, वो रिश्तों की नजाकतों को समझता ही नहीं। वो जहां रहता तो इस सोसाइटी के तौर तरीकों को जानता, लेकिन तुम तो समझदार और जिम्मेदार हो। तुम्हें पता है हमारे यहां लड़के और लड़की के दरमियान रिश्ता इज्जत नहीं देता, तोहमत बन जाता है। मैं जानती हूं दादू, लेकिन मेरे अब्बा मर जाते, उस वक्त उन्हें मेरे घर बसाने की फिक्र थी। पता नहीं कितने लोगों से कर्जा लिया था मेरी शादी के लिए, फिर भी मेरा जहेज किसी को पसंद नहीं आया। बारात वापस जा रही थी, वो भी मुझे तोहमत से बचाना चाहते थे। मैं कसम खा के कह सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आलियान साहब कितने बड़े आदमी हैं। कुछ लोग उन्हें फरिश्ता कह रहे थे और कुछ ऊंचे दिमाग वाला। वो बद दिमाग भी है, ये मैं कह रही हूं। जिस तरह से तुम्हें वो अपने घर लेकर आया है, इसी तरह किसी दिन वो तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ आएगा। सोचा है तुमने तब क्या होगा? सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। तो आप ही बताइए ना, मैं क्या कर, किस तरह लोगों को फेस करूंगी? मुझे भी तलाक से खौफ आता है, जानती हूं कि ये गुनाह है। लोग सोचेंगे कि मैंने ही कुछ गलत किया। नहीं, तुम कुछ गलत नहीं कर रही, और ना ही ये तुम्हारा गुनाह है। तुम्हें सच्चाई से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। लोगों से मत डरो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो।
तुम्हें ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। क्या तुम एक छोटी जिंदगी गुजारना चाहती हो? देखो, मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहती हूं। उन्हें यहां बुला लो या फिर मुझे ले चलो। वो यहां? ठीक है, तो मैं चलूंगी। मैं इस मसले को अब ज्यादा तूल देना नहीं चाहती। सुल्तान और राणा इस वक्त घर पर नहीं है, वरना तुम्हारी अब मौजूदगी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और हंगामा खड़ा कर देते। मैं चाहती हूं उनके आने से पहले तुम अपने घर लौट जाओ और ये शादी का ड्रामा जितनी जल्दी खत्म हो सके तुम्हारे हक में उतना ही अच्छा है। मेरी बात समझ रही हो ना? आलियान जिस माहौल में बड़ा हुआ है, वहां इन सारी बातों के लिए किसी जवाब या एहतमाम की जरूरत नहीं होती। वो नौजवान है और कानूनन तुम्हारा शौहर भी, इसलिए मुहतात रहना। अच्छा यार, आप इतना डरती क्यों है? नॉक किया था मैंने, शायद आपने सुना नहीं। नहीं, वो आप अचानक आ गए इसलिए डर गई। लेकिन आप आए क्यों हैं यहाँ? आपको डराने? जी, आपको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। घर में किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? जाइए आप यहाँ से। क्या सोचेगा, ये भी कोई सोचने वाली बात है? कुछ से मुझे लगता है आप सोचती कुछ ज्यादा हैं। जी, मैं कुछ ज्यादा सोचती हूँ। अब आप जाइए। जा रहा हूं। हाँ, मैं बातें नहीं करने आया था यहाँ पे। आपकी इयररिंग है, बाहर गिरी हुई थी, ये छोड़ के जा रहा हूं। और दरवाजे की कुंडी लगा लिया करें, नहीं तो कोई भी अंदर आ सकता है। आओ मेरे हमदर्द शहजादे, तुम्हें याद कर रही थी। सब यहां पे पागल है, everyone is sick in the head। आप क्या हो गया भाई, नताशा से फिर नाराजगी हो गई क्या? वो तो खैर है ही पागल, लेकिन ये जो आपकी मैडम है ना, ये भी कुछ कम नहीं है, पूरी की पूरी साइको है। चंदा भी आप जाएं। हाँ, अब बताओ क्यों अपसेट हो? अपसेट नहीं हूँ टूटी, गुस्सा आ रहा है मुझे। उसके कमरे में जाना नहीं चाहिए था मुझे। मैं उसके कमरे में उसकी इयररिंग्स देने गया था और वो मैडम है कि कुछ उल्टा ही सोच रही हैं। क्या कह दिया, कुछ मिसबिहेव किया है उसने? मिसबिहेव नहीं किया है, प्रॉपरली इंसल्ट की है मेरी। आप मेरे कमरे में क्यों आए, आपके घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। तो ठीक कहा ना उसने बेटा। कहां बस क्या हूं मैं दादा, मैं आपको इतना कैरेक्टरलेस लगता हूं? अरे बेटा, वो एक अच्छी और प्यारी लड़की है। मैं नहीं चाहती कि कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। वैसे ये अच्छी और प्यारी लड़की आपको कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ गई? लेकिन तुम्हें तो नताशा पसंद है ना? हाँ वो तो है। आप
उस जैसी लड़की को आप इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। इसे मोहब्बत नहीं मुफाहमत कहते हैं। तुम कुछ खा नहीं रही? नाश्ते में कुछ और लोगी? नहीं, मैं यही खा लूंगी। रात तुम्हें कोई मेरी बात बुरी लगी क्या? जी जी नहीं, तो आपने सब कुछ सच ही कहा था। गुड मॉर्निंग गॉर्जियस। ठीक, नाश्ता करोगे? आज क्या खाने का मूड है? कुछ खास मूड नहीं हो रहा। आप लोग करें नाश्ता। आलियान बता रहा था कि रात तुमने उसे कमरे से निकाल दिया। नहीं दादो, मैंने तो नहीं निकाला था। मैंने तो बस यही कहा था कि आप यहां से चले जाइए। दरअसल लाओ बालिसा है, उसने अभी तक जिंदगी को संजीदगी से बरतना नहीं सीखा। रिश्तों में रहा नहीं, इसलिए उनके तकाजे भी नहीं समझता। मैं नहीं चाहती बेटा कि उसका एडवेंचर तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दे। तो मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे। मुझे खुद पर भरोसा है। तो बड़ी अच्छी बात है। अपनी अम्मी से कहना मैं उनसे मिलना चाहती हूँ।